का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहाल करो बहाल करो। प्रक्रिया, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहाल करो बहाल करो। जम्मू कश्मीर इकाई हमारे साथ हैं, सैनिक समाज पार्टी हमारे साथ, करनी सेना के हैं कई सामाजिक और कार्यकर्ता हैं जो आज इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर में पिछले पाँच साल हो चुके हैं लगातार हमें गैर लोकतांत्रिक सरकार को सहते हुए, यानी एक पूरा सरकार का शासनकाल भेंट चढ़ चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के शासनकाल की। आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि जिस देश का राजा व्यापार होगा उस देश की प्रजा भिखारी बन जाएगी। आज हम भीख मांगने के लिए यहां पर बैठे हैं चुनाव आयोग से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि जम्मू कश्मीर से जो छीना गया था, हमारा जो राज्य का दर्जा छीना गया था, हमें आप भीख में वापस दे दो। जम्मू कश्मीर में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल करो। 23 जून को माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, हम उनको उनका वादा याद दिलाते हैं। उन्होंने सदन के पटल से बोला था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। आज 5 साल का समय हो चुका है, अगर उनके दौरे से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली नहीं की गई तो शिव सैनिक जो है काली पट्टियां बांधकर पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के जम्मू दौरे का जो है वो विरोध करेंगे। देखिए, आज सैनिक समाज पार्टी, शिवसेना जो हमारे पॉलिटिकल लिंक के साथ हमारा प्री पोल अलायंस भी हो रखा है, करनी सेना के होशियार सिंह चिप जी, तो हम सबकी जो ये डिमांड है कि प्रजातंत्र के अंदर जो जनता का फंडामेंटल राइट होता है वो ये होता है कि वो अपनी सरकार को खुद चुने। ये फंडामेंटल जो अधिकार है इसको छीन लिया गया है पिछले 5 साल से, और कमिटमेंट करने के बाद भी मोदी जी ने पार्लियामेंट में और अमित शाह ने पार्लियामेंट में कमिट की थी कि स्टेट जो है हैं कि असेंबली इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराए जाएं, स्टेटहुड जो है उसका दर्जा दिया जाए। अगर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली इलेक्शन करने में क्या प्रॉब्लम है, और जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का अधिकार दिया जाए। थैंक यू।